वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और मैं अभी रेडी हो गई हूँ नहा धो के, और मेरे पतिदेव अभी सो रहे हैं और आज मैं जल्दी उठ गई क्योंकि आज मेरे भाई लोग मुझे लेने आ रहे हैं, इसलिए मैं फटाफट रेडी हो गई थी। और 7 बज रहा था सुबह के, और हमारे पतिदेव तो एकदम मतलब क्या ही बोले, घोड़े बेच के सो रहे थे। और मैं पहुँच गई नीचे और फिर मैंने बनाया चाय और फिर खाना वगैरह भी बनाना स्टार्ट कर दिया था, और तब तक मेरे भाई लोग भी आ रहे थे रास्ते में जब मेरी बात हुई थी। और फिर वो भाई लोग आ गए, सब्ज़ी वगैरह बनाई, रोटी वगैरह बनाई, पूरा खाना बनाया, और फिर मैं आ गई रूम में और भाई लोग को खाना वगैरह लेके, फिर भाई लोग भी जैसा कि मैंने बताया आ गए थे तो उनको खाना वगैरह खिलाया सभी लोगों को, और मैं फटाफट फिर रेडी हो गई। खाना पीना भी हो गया, सब हो गया, अब निकल रहे हैं। और अभी हो रहा है 11:30 होगा, सो चलिए निकलते हैं। रेडी होके फटाफट मैं नीचे आ गई और पैर में रंग वगैरह भी लगाया हुआ था और हाथ में भी लग गया था, और मेरी सासू माँ भी बैठी हुई थी, और फिर मैंने पैर वगैरह छू के फटाफट सभी को बाय बोल के वहाँ से निकल गई। वहाँ से जब निकली तो मेरे आँखों में आंसू थे खुशी के कि मैं अपने पापा से मिलूँगी जाके काफ़ी टाइम बाद। और मतलब इस बात का दुख भी था कि मतलब अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए दूसरों की परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि जब मन करे निकल जाओ अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए, सो काफ़ी पेनफुल होता है ये। 12:31 में निकले हैं हम लोग यहाँ से, 2 बजे तक पहुँचेंगे कम से कम। जाती हूँ ट्रैवल करती हूँ तो इसीलिए लाइट वेटेड कपड़े पहनती हूँ कि आराम से फैल के यहाँ पे बैठ सकूँ, और आराम से अभी बैठे बैठे जा रही हूँ। ये कुरकुरे वगैरह मेरे को तो एकदम मन नहीं है खाने का, और कोल्ड ड्रिंक अभी पीऊँगी, कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी तो। और ये यहाँ पे देखो बकरी के बच्चे वगैरह भी ये आ गई कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ पीते खाते जाएंगे से। अब बड़े वाले भैया गाड़ी चलाएंगे, ये बैठेंगे क्योंकि थक गए हैं ये चलाते चलाते। अरे देखो मैं कैसे बैठी हुई हूँ, आगे एक पैर है, एक पीछे, एक ऊपर, कितने सारे पैर है मेरे, एक आगे है, एक यहाँ पे रखा हुआ है, और मेरा सामान यहाँ पे पीछे रखा हुआ है, कपड़े वगैरह का बैग वगैरह। भाई आ जाता है फिर चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। आज मैं आप लोगों से बिल्कुल भी बातें नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सुबह भैया लोग आ गए थे, वही 8:30-9 बजे आ गए थे आई थिंक वहाँ मेरे ससुराल में, और मैं वहाँ से निकल ली थी। कितने बजे निकले थे भैया? 12:30 बजे शायद निकले थे। चलो 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 आगे डाल।
फाइनली मैं अपने सुकून भरी गलियों में आ चुकी हूँ और पहुँच गई हूँ अपने घर। और गाड़ी से उतर रही थी कि पापा आ गए और पापा ने मुझे देखा और एकदम मतलब रोने लगे। और मैं हंसते हंसते इसीलिए गई थी ताकि कोई रोए नहीं मुझे देख के। और पापा काफ़ी ज़ोर से रो रहे थे, मतलब मैंने पापा को इतना अपनी शादी में भी नहीं रोते देखा। और फिर मम्मी मेरे उतारा वगैरह कि मैं अंदर आ रही थी और काफ़ी लोग के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपकी बर्तन की शॉप है। तो जी हाँ, मेरे पापा की बर्तन की शॉप है और वहीं पे मैं मम्मी ने उतारा वगैरह किया। और फिर मैं पापा से थोड़ी देर बातें शातें करी और पापा रो रहे थे तो मैं उन्हें शांत करवा रही थी और मैं भी रोने लगी उनको देख के, रोता देख। और मतलब जब पापा रोते हैं तो ना तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है खुद को। और मैं इसीलिए हंसते हंसते गई थी। फिर मम्मी ने पैर वगैरह धुले और मैं थोड़ी देर बातें शातें करी और फिर सबसे पहले अपने रूम में पहुंची। और मम्मी कहती हैं आज इस रूम की पूरी लाइटें ओपन हुई हैं, नहीं तो कोई भी इस रूम में नहीं आता था और ना ही लाइट्स वगैरह ओपन करता और था। जैसा रूम मेरा था वैसा ही है, मतलब इस रूम में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता, ये मेरा ही रूम है। और मैं आके मुझे इतना सुकून मिल रहा था कि मैं क्या ही बोलूं। सुकून तो भाई आपको आपके ही घर में मिलता है। तो गाइस, मेरे ही घर आते ही मम्मी लग गई एल्बम देखने में। आप लोग भी देखो, ये अपन की फोटो रिंग सेरेमनी। मम्मी देख लो, आपकी फोटो है। पहली बार कोई फोटो अच्छी आई है, वो भी मामी की। ये मामी और ये मामा, मस्त आई है मामा फोटो। वीडियो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये ऊपर की लाइट लग रही है ये वाली। ये मिस्टर खड़ूस और ये हैंडसम पिताश्री। ये हमारी नंद, ये हमारी पूरी फैमिली। हाँ परिवार है, बस सास नहीं। सास जी हमारी मिसिंग है इस फोटो में, बाकी सब लोग फ्रेम में नहीं आ पाए लोग। सो गाइस, अभी मैंने चेंज वगैरह कर लिया है और रिलैक्स सबसे ज़्यादा अगर कोई कपड़े में आता है तो पापा की टी शर्ट में ही आता है। सच्ची में मेरे को तो मतलब जान ही मिल जाती है। और जब मैं आई थी लिटरली पापा मतलब मेरे को देख के इतनी ज़ोर ज़ोर रोने लगे थे कि क्या ही बोलूँ। उस टाइम में मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, इतना जोर। मैंने कभी भी अपने पापा को ऐसे रोते बिल्कुल भी नहीं देखा। आज जिस तरीके से मैंने उनको इतना रोते देखा है, लिटरली मतलब रूह कांप गई थी मेरी उस टाइम पे जब मैं देखी थी। और उनके सामने मैं इसलिए और नहीं रोई कि अगर मैं रोऊँगी तो वो और ज़्यादा रोएंगे। इतना तो मेरी शादी में भी वो नहीं रोए जितना आज रोए, पता नहीं क्यों। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा भी हो सकता है काफ़ी टाइम बाद मिले और मैं कभी छोड़ के भी नहीं जाती थी ऐसा। और ससुराल में 1-1.5 महीने रुकी हूँ मैं इस बार, सो इसलिए हो सकता है। और आराम से रिलैक्स ही कर रही थी अभी तक। बैग भी यहाँ पे रखा हुआ है ये। और बस साड़ियाँ कितनी भी लेके आओ ससुराल से, लेकिन पहनना लड़कियों को यही होता है नॉर्मल से कपड़े अपने घर पे। सो अभी खाना पीना बनेगा और फिर साथ में खाएंगे, सीटी भी बोल गई। एंड काफ़ी टाइम बाद मैं अपने पापा के साथ आज खाना खाऊंगी, मतलब सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। मैं अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा मिस करती थी अपने पापा के साथ खाना खाना। सो अभी बन रहा है खाना, फिर गर्मा गर्म खाना। फिर मम्मी ने बनाया मैक्रोनी तो सभी के साथ एंजॉय किया मैक्रोनी। और ससुराल में मैं सबसे ज़्यादा यही मोमेंट मिस करती थी। तो गाइस खाना पीना हो गया है और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और मतलब मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई इस वीडियो में, सो उसके लिए दिल से सॉरी। इतना मतलब इमोशनल हो जाता है वीडियो की, बोल पाना होता ही नहीं है, सब आँखों से बयां हो जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। सो मैं मिलूँगी अब नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं माइके आ चुकी हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी।
के इस वीडियो में इतना ही। बाय।